मेरे साथ मैच खेल लेंगे। बोंड पेश करा दो, फिर रिक्वेस्ट भेजी। चल बुंड बुंड खेलते हैं, बुंड बुंड खेलते हैं, बुंड के साथ बुंड मिलाते हैं, करंट निकालते हैं। वो करंट देख के हो सकता है लोग गिफ्टिंग करना शुरू कर दे कि किसकी बुंड में कितनी करंट है। पहनी चिक्की नहीं, लोगों को पता होना चाहिए ना किसकी बुंड में कितनी करंट है, तो फिर उस हिसाब से गिफ्टिंग करें। यार शमशेर भट्टी मुझे रिक्वेस्ट भेज रहा है। ओदी मां ने ये सो ना चुके, नहीं उठाया। तूने फिर इस जैसे लोगों को भी तुमने फॉलो किया हुआ? अच्छा चल तू मैच लाना। तूने इस जैसे लोगों को भी फॉलो किया हुआ? ये तुम लोगों का कैलिबर है यार। तू कहती होगी चलो जदों कोई ना लभे तो शमशेर भट्टी नू दे दांगी, है ना? तेरे जैसी औरतें ही सोचती है ना जे तो कोई ना लभे चलो आज शमशेर पर भाई। चाटे लगा के दे दे। हाँ ले भैया राहुल आपके नाम में लिया हरी डेली तका चढ़िया उन्होंने लेंदा है। वैसे डेजलिंग ओनडे वाला ज्यादा अच्छा लगता है या ऊपर बैठ के ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे लगता है ओंडे वाला ज्यादा अच्छा लगता है, तुझे क्या लगता है बता? डजनिंग है चुप्पे मस्त है फजूल है, मेनू क्या पता होए, मेनू ये ना पता होए, ये बड़ी पुरानी बातें हैं। आजकल की जनरेशन छोटे छोटे को पूछ लो ओंडा अच्छा है या ऊपर बैठ के अच्छा है, बता। तो कभी मेरे को लाई ना, मैं फिर तेरे ते एक्सपेरिमेंट दोनों करांगी, फिर तेरे तेरे जो दसूंगी। बहुत बड़ी आंधी है आ ते मैं जावा, लेकिन तो यार बदतमीजी क्या साली, मैं तेन गालां कढ़दी पिया? मैं तो सिर्फ तेरे को एक जनरल नॉलेज की क्वेश्चन पूछ रही हूँ तू मेरे को ना पूछिस हो। यार, पूछना पड़ता है ना यार मुझे भी। हाँ बता ना यार, चल छोड़ ये सारी बुरी बातें, मुझे बता ऊपर वाला ठीक है या ओंडा ठीक है? अच्छा गिफ्टिंग तू इंतजार करिए, कोई मारे मारे छोड़ उनको, वो खुद कर देंगे जिन्होंने करनी है, तू मेरी तरफ ध्यान दे बस। बाल नकली क्यों लगवाए हैं तूने? तेरे अपने अच्छे बाल थे दिल कर रहा था, मैंने तेरी ये मिल ये गया कच्छा दिया लटा ते मैं जाया नहीं कीतिया, मैं ओ कच्छा नहीं लुआ मेरी आनी, तेनू थलड़ियां लटा लगने, तेनू मेरी थलड़ियां लटा लगी होने, क्योंकि कच्छा जी मेरे बहुत घट आंदे आ, थले फिर भी आ जाते हैं, कच्छे बहुत घट आते हैं, तो तेन थलड़ियां लट्टा लभ होनगियां। अच्छा मैं तेरे को यह पूछ रहा सी, ये जो तुमने लगवाई है, एक तो प्लास्टिक वाले वो क्लिपर ऐसे वो उस मशीन के साथ ऐसे करते हैं ना, तो के तूने धागे वाले लगवाई है? ये वो ही है गन या वाली। वार गन वाली है ना, बहुत फजूल है यार, बहुत तूने बाल कौन टूटते सी हैं इससे। लगवाई और मैंने अभी थोड़ी लगवाई है, मैंने एक दफा पहले लगवाई थी और वो मेरी एक दिन ही टिकी है, दूसरे दिन सुबह उठ के मैं नहाई हूँ और मेरे बाल वो थोड़े वो है ना पतले और सिल्की, वो वैसे ही निकल गए थे मेरे लाइक। है? नहीं मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा तो ठीक है, मुझे तो काफी टाइम हो गया ये देखो अभी तो मेरी लेकिन ऐसे करो ना, ऐसे तो ऐसे प्लास्टिक के वो नजर आते हैं यार ऐसे ऐसे, वो बहुत मेनू लाइन लगता है मेरे सिर से, ओ ए प्लास्टिक सारा फंस गया है। हाँ वो स्टार्टिंग पे थोड़ा सा फील होता है, बाद में ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। उमर थैंक यू सो मच गाइस, कम ऑन 5+ कराओ, होता है ना कंघी करने में प्रॉब्लम। नहीं इनकी कॉम होती है, ये हेयर एक्सटेंशन की कॉम है ये। हाँ वो देख वो ही है प्लास्टिक वाली है। यार मैं लवा के आई सी इतो दुबई तो, मैं लवाई सी, मैं लवा के आई तो मैनू वो प्रॉब्लम हुई, मैं तेनू दस नहीं सकती बहुत। इस तरह नहीं गाइस लगता है कि खुसरे का मुंह बैठा है। गाइस 5,000 करो यार, हद होती है, नहीं कराना 5,000। उमर थैंक यू, कितनी गरीब औरत है तू, एक तेरा नाम है, तू एक ब्रांड है, ते ते तू मेरा आ नाम है इसलिए थोड़ी है कि मैंने गिफ्टिंग होती है, मेरा नाम तो वीडियोस की वजह तो होता सी, मेरा तू नाम आजकल बैठी है। मैनू गिफ्टिंग कदों ज्यादा कदी हुई है, लोगों को लगता है कि सोफी ने बड़ी गिफ्टिंग होती है, मैनू नहीं होती, मैनू कोई मुंह लाने ते रवादार नहीं होता। मैनू अगर कोई मुंह लाने ते रवादार होता तो सारी मैं उसके चटिया च पई तेनों नजर ना आती, सारी जिंदगी कल गुजार देनी है मैं भैन चोद। उदो उन्होंने गिफ्टिंग नहीं ना होती, फिर नाल दिन कहती भी बंदा अरेंज कर, इतने काम नहीं बनना। देख लो गाइस वो यही कह रही है कि वेला इतने गिफ्टिंग नहीं होती भी बंदा अरेंज कर।
ये जैन, ये शुक्रन, सारे मिलके टैप टैप करो तो लाइव में शेयर करो एक एक दफा। गाइस डबल टैप करो ए मुझे मतलब क्यों लगता है कि तू एक पादो रहता है। आई गॉट बूस्टर दूर भी, तुम्हें बूस्टर मिल भी जाए तो तूने क्या कर लेना मेरी जिंदगी में। फूल से ऊपर तो तूने कुछ करना नहीं है। पता नहीं कहाँ पे गिफ्टिंग करता रहता है तू। पता नहीं कहाँ पे तुम लोगों ने लेवल बना ली है। आके मेरी ब्रॉड से मेरे नाल मस्कियां लांदे लेंदे हो, कर दे मेरे वास्ते कुछ है नहीं हो। मेरे वास्ते कुछ करो भी तो सही, ता कि मैं भी फिर तुहाडे वास्ते कुछ करा। फसो यार मेरे साथ, कोई तो बंदा कुछ करे मेरी जिंदगी में और मेरे साथ फंसे, मेरा टाइम स्पेंड करवाए, मेरा टाइम नहीं गुजरता यार, नहीं गुजरता, सारा दिन वेली रहती हूं मैं। मेरे दोस्त भी कोई यूके, कोई कनाडा या कोई यूएसए में बैठा हुआ है कि मैं उससे बात भी कर लूं। बात भी क्या करूं, उस वक्त वो लोग सो रहे होते हैं, ठीक है। दिन मेरा सारा भैन दे जी मुठ्ठा लग जाता है। तुम लोगों की इग्नोरेंस की वजह से गाइस मैं मुठ्ठों पे लग गई हूँ। आज अगर तुम लोगों ने मेरी जिंदगी में कुछ किया होता ना तो आज मैं तुम लोगों के साथ गप लगा रही होती। सात फूल चाहिए गाइस, उसकी मुठ्ठों पे ना जाओ तो सीधे फूल ओपन कराओ। पांच हजार रुपये पनिशमेंट है यार। सात बंदे सात फूल, सात बंदे सात फूल मारो, पांच फूल। कैसे आप लोगों के साथ गाइस बात करूं, कुछ करो भी तो सही ना। ऐसे नल्लों के साथ मैं बात करके क्या करूं फिर। मुझे यही लगता है कि सारी जिंदगी मैं नल्ले नु संभाल दे रहना है। कोई अमीर आदमी मेरी जिंदगी में आए, मेरा ख्याल रखे, मेरी ख्वाहिशात पूरी करे, मेरे मुंह से निकले भी बातें पूरी करे। यार रिकॉर्डिंग आ नहीं रहती है, कंगले हो मेरी, जीरो लेवल नहीं हैगा, तुसी की मेनू मारना यार। हद होती है यार, कभी तो शर्म लिहाज के साथ काम ले लिया।